वेलकम बैक अगेन दोस्तों, मैं तरुण राजपूत आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल में। सो दोस्तों, आलिया बसु गायब है। अब आलिया बसु कौन है गायब यार? आलिया भट्ट गायब हो सकती है, बिपाशा बसु गायब हो सकती है, ये दोनों का मिक्सचर तो नहीं कहीं? आलिया बसु बिपाशा बसु की बहन या आलिया भट्ट की बहन? आलिया भट्ट की बहन तो पूजा भट्ट है भाई। सो चलो खैर, ये रही बात की बात है। ये दोस्तों मूवी देखी मैंने, आलिया बसु गायब है, तो उसी का दोस्तों मैं रिव्यू करने वाला हूँ, जिसमें है विनय पाठक, राइमा सेन, सलीम दीवान। ये मूवी दोस्तों 9 अगस्त 2024 को रिलीज़ हुई थी, तो इतना ज़रूरी भी नहीं था कि यार आप ये मूवी देखने जाओ या मूवी फ़ोन पर ही डाउनलोड करके देख लो। तो मैंने दोस्तों डाउनलोड करके देखी, तो उसी का मैं अपना ओपिनियन आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ कि मेरे को फाइनली कैसी लगी। तो देखिए दोस्तों, विनय पाठक बहुत बड़े तो नहीं कह सकता, पर इतने के बढ़िया एक्टर हैं जो ऐसा रोल करते हैं तो उसमें जान पा देते हैं। तो इसमें जो उनका रोल देखने वाला होगा ना, आपको सरप्राइज़ करेगा, सच में कह रहा हूँ, विनय पाठक और सलीम दीवान का। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि इस फिल्म में आप अपना जो दिमाग है वो ज़्यादा ना ही इस्तेमाल करें। आपको पता है कि एक लड़की है, उसको किडनैप कर लिया है और उसके बाप से पैसा मांगा जा रहा है। कितने करोड़ मांगा जा रहा है? 5 करोड़ 10 करोड़ ऐसा मांगा जा रहा है। तो ये थोड़ा सा फैमिली के साथ ना ही देखे तो अवॉइड ही करें, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो सेक्सुअल है थोड़ा सा। तो दोस्तों अब विनय पाठक को क्या खुजली थी ये रोल करने के लिए, तो मैं तो ये स्पॉइलर नहीं करना चाहता है ना। सो बस ये कहना चाहता हूँ कि इस मूवी पे खर्चा बिल्कुल नहीं आया है, जो भी आया होगा बहुत समथिंग लिमिटेड का आया होगा। पर फिर भी दोस्तों मूवी तो चलो माना फ्लॉप ही है, फिर भी कई बार ऐसे देखनी पड़ती है मूवी, देख लेते हैं कि यार ये एक्टर हमें पसंद है, इसकी क्या परफॉर्मेंस है, देखते हैं। तो बट सरप्राइज रहोगे आप। तो दोस्तों इस मूवी में सिर्फ 3 बंदे दिखाई दिए गए, विनय पाठक, सलीम दीवान एंड राइमा सेन। चौथा इंसान कोई नहीं है गाइस, चौथा इंसान ही कोई नहीं है इस मूवी में। बस लड़की को किडनैप कर रहे हो, लड़की के साथ ऐसा सा काम हो रहा है, तो क्या ही आपको बताऊं, क्या लड़की उन किडनैपरों से भाग पाएगी कि नहीं भाग पाएगी, क्या होगा उससे? उस लड़की की 5 साल की बेटी है जो कि एक सिंगल मदर है। तो अब जिसने किडनैप किया है, किस लिए किया है, क्यों किया है, ये सब जवाब आपको मिलेंगे इस मूवी में देखने के बाद। बट मैं आपको पर्सनली कहूँ कि मेरा ओपिनियन कैसा रहा ये मूवी देखने का, 2 घंटे 5 मिनट की, तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल बढ़िया नहीं रहा दोस्तों, ठीक ठाक ही था। मेरे को इतनी खास जमी नहीं मूवी, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी, मैं आपको कहूँ कि आप अपने 2 घंटे 5 मिनट ख़राब करें इस मूवी पर। तो यू नो व्हाट कि इसमें कुछ ऐसा है नहीं, कोई सॉन्ग वगैरह नहीं है, सब ऐसा ही है यार, इतर बितर ही है, बस कुछ नहीं है देखने लाइक। बट वही मैं कहूँगा, मूवी को मैं 5 में से 1 स्टार दूंगा। तो बाकी विनय पाठक का रोल आपको सरप्राइज करेगा ज़रूर, एक बार ज़रूर देखना। तो बाकी अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।